अस्सलामुअलैकुम। सच एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूँ सैयदा ज़रमीना सर। चलते हैं तफसीली खबरों की जानिब। किसी बहाने से बस वोटिंग मुलतवी हो जाए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान गरीबी वुज़रा के साथ सर जोड़कर बैठ गए। वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक-ए-अदम एतमाद पर कल वोटिंग होने जा रही है और ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म ने किचन कैबिनेट के साथ मीटिंग की, जिस दौरान किसी भी बहाने से वोटिंग मुलतवी होने की तजावीज़ पर गौर किया गया ताकि कुछ मजीद वक्त मिल जाए। लेकिन अटॉर्नी जनरल और स्पीकर कौमी असेंबली ने किसी भी किस्म के गैर कानूनी इकदाम ना करने का अंदिया दे दिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। गुज़िश्ता शाम अपोजिशन के इकदाम को नाकाम बनाने के लिए हतमी मुशावरत हुई और मुख्तलिफ तजावीज़ सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक काबीना के इजलास में 6 से 8 वुज़रा शरीक हुए, जिस दौरान तजावीज़ दी गई कि किसी बहाने से स्पीकर तहरीक अदम एतमाद की कार्रवाई मुलतवी कर दें, वोटिंग के दौरान गिनती दुरुस्त ना करें या फिर कोई और बहाना बनाए। ये भी तजवीज़ दी गई कि मुनहरिफ अराकीन के घर जाकर नारेबाजी की जाए और दबाव डाला जाए। हिमायत हासिल करने के लिए आईनी इदारों पर भी दबाव डालने की बात हुई। ये थी अब तक की न्यूज़। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए सच एक्सप्रेस न्यूज़। हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। शुक्रिया।